हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोपीडिया। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी पे आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक पैन कार्ड इशू करते हैं, वो पैन कार्ड एक्चुअली किस लिए दिया जाता है और इसका पर्पस क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि हम लोगों को क्यों एक पैन कार्ड होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये जो पैन कार्ड होता है, पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। मींस आपका डोमिसिल कहीं का भी हो, आप किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी में रहते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार आपको एक परमानेंट अकाउंट नंबर डिटेल करता है जो आप किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी में वो एप्लीकेबल होता है। और वो एक तरफ का बोल सकते हो कि आइडेंटिटी कार्ड है जिसमें आपका फ़ोटो रहता है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, सब कुछ रहता है। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन के तौर पे भी पैन कार्ड को यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमें पैन कार्ड क्यों चाहिए। तो फ्रेंड्स, पैन कार्ड का सबसे पहला जो महत्व है वो है, हम लोग जो भी टैक्स वगैरह सरकार को देते हैं, उस टैक्स को जब देंगे सरकार को, तो हमें पैन कार्ड की ज़रूरत होता है। मतलब पैन नंबर नीड्स व्हाइल पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस। हम जब भी सरकार को डायरेक्ट टैक्स पे करेंगे, उस समय हमें पैन नंबर की ज़रूरत है। उसके बाद है, टैक्स पेयर नीड टू इनपुट देयर पैन ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ ITR। ITR मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न। आप हर एक फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के बाद जब भी आपको फॉर्म 16 मिले, अगर आप सैलरीड हो या फिर जॉब, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न जब भी भरते हैं, तो उस समय आपको पैन कार्ड तो ज़रूर चाहिए। और ऐसे भी आप अगर सैलरीड हो तो आपके पास ऑलरेडी पैन कार्ड होगा। तो ये चीज़ पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है इसके लिए। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग रजिस्टरिंग ए बिजनेस पैन इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी मैंशनड। अगर आप कोई बिजनेस खोल रहे हैं, तो ये पैन कार्ड होना आपके पास ज़रूरी है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बिजनेस ओपन कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे पैन कार्ड इशू होगा। अगर आप इंडिविजुअली खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको पैन कार्ड इशू होगा। तो नेक्स्ट है सेल और परचेज ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी व्हिच इज़ वैल्यूड मोर देन 5 लाख। इसका मतलब है कि आप अगर कोई ज़मीन वगैरह खरीदते हैं जिसका जो परचेजिंग वैल्यू है वो 5 लाख के ऊपर है, या फिर अगर सेल कर रहे हैं, तो भी आपको पैन कार्ड होना ज़रूरी है आपके पास, क्योंकि ये सब चीज़ें सरकार के पास जब रजिस्ट्री होगा, तो उस समय सब कुछ काम में आता है। उसका नेक्स्ट जो 5th पॉइंट है वो है, सेल और परचेज ऑफ ए व्हीकल एक्सेप्ट ए 2-व्हीलर। तो अगर आपके पास कोई 2-व्हीलर के अलावा अगर कोई वाहन है, मीन्स 4-व्हीलर कार या फिर कोई और इससे बड़ा कोई गाड़ी वगैरह है, तो इस ये अगर परचेस कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, तो उस समय आपको पैन कार्ड की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट है, अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं 50,000 से ज़्यादा बैंक डिपॉजिट के थ्रू, तो आपको पैन कार्ड होना ज़रूरी है। पेमेंट्स ऑफ मोर देन 50,000 टुवर्ड्स बैंक डिपॉजिट, अगर बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं 50,000 से ज़्यादा, तो आपको पैन कार्ड होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, परचेज ऑफ बॉन्ड्स वर्थ 50,000 और मोर। अगर आप गवर्नमेंट से कोई बॉन्ड खरीद रहे हैं जिसका प्राइस 50,000 या फिर उससे ज़्यादा है, तो आपको पैन कार्ड उसमें मेंशन करना ज़रूरी होता है और आपके पास ये पैन कार्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अगर परचेज ऑफ शेयर्स, अगर आप शेयर खरीदते हैं किसी भी कंपनी का जिसका वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो भी आपको पैन कार्ड होना ज़रूरी है आपके पास, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड सरकार के पास जाता है। नेक्स्ट है, परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, तो इसके लिए भी आपको पैन कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप विड्रॉ कर रहे हैं या फिर डिपॉजिट कर रहे हैं, उसके लिए पैन कार्ड ज़रूरी है। नेक्स्ट है, पेमेंट्स मेड फॉर
मोर देन 5 लाख टुवर्ड्स परचेज ऑफ ज्वेलरी एंड बुलियन। मीन्स अगर आप सोना या चांदी का कुछ खरीद रहे हैं और उसका वैल्यू है 5 लाख से ज़्यादा है, तो उसका जब आप पेमेंट करेंगे उस समय आपको पैन नंबर की रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद है टू ओपन ए डीमैट अकाउंट। अगर आप कोई डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। और डीमैट अकाउंट के लिए सबसे मैंडेटरी है पैन कार्ड होना। नेक्स्ट है टू अवेल पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन एट्सेट्रा। अगर आप कोई पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन लेना चाहते हैं किसी भी बैंक से, तो अब भी आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि आज के दिन में पैन कार्ड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये सबके पास होनी चाहिए। अगर आप एलिजिबल है इसके लिए तो ज़रूर अप्लाई करें। और इसका कैसे अप्लाई करना है, इसका वीडियो इसके कैसे करना है, उसका वीडियो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर उसको आप ज़रूर फॉलो करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं और एक पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।